राजेश दून यो एक तरफी बन गया है बियाली शोर से एक लैंक ठोक देंगे हाँ। नाम मटना टनमा वाला भाई राजेश जून का क्यों कह रहा राजेंद्र जून 10 साल में ना कुछ नहीं करवा लिया काम के थगड़ी नहीं लगी रोड़ा पे भाई हम तो राजेश जून को ही वोट देंगे इसको भाई को चाहे निर्दलीय उठो चाहे टिकट से आए ठीक है और नहीं देंगे किसी को भी वोट हम भाई पार्टी इसका साथ दे चाहे ना दे हम इसका साथ जरूर देंगे भारी मतों से भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा था इनको मैं आगे तेरा नंबर इनको तू बैठ गया यो बैठ गया था भाई राजेश जून का हाथ लेता हूँ मैं इसको दीपेंद्र को पिछली बार हारा था हरिगंज जीत का चालिया भद्रगढ़ का लीड लेकर चालिया है उसमें राजेश जून का हाथ है लीड दीवाना में हाँ पार्टी भर यहाँ ये हाँ भर रहे थे कांग्रेस वाले उसकी अग भाई अगला नंबर इसका है ये भी ये टिकट देना नाटक है तब आजाद खड़े करेंगे लोग वोट देंगे जीतेगा पक्का ना जीते का नया काम होगा माहौलियो है जी राजेश जून को जिताएंगे भारी मतों से राजेंद्र वो कभी आता नहीं गाँव के बुरे हालात है वो एक बार आया था वोट मांगने उसके बाद जाके नहीं देखता राजेश जून साहब जो अब की बार तहलका मचा रहा क्या भाई बिल्कुल हाँ टिकट तो 150% मिलनी चाहिए 100 तो सबका। नमस्कार दोस्तों, भादुगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव लोहार हेडी में इस वक्त मैं मौजूद हूं। गांव के कुछ ग्रामीण हमारे साथ ताश खेल रहे हैं, आइए बात कर लेते हैं। इस बार चुनाव पर चर्चा करेंगे, क्या है इस बार भादुगढ़ हल्के का माहौल, लोहार हेडी गांव का रुझान किस तरफ ज्यादा है, 2024 में किसे अपना विधायक मानते हैं, एक एक करके सभी से बात करेंगे। इस बार किसका पलड़ा ज्यादा भारी है भाई? मारा माहौल राजेश जून का है। राजेश जून का है? हाँ पक्का। क्या कारण है भाई? वो समाज सेवक है, काम करने की नीयत है उसकी। अच्छा जी। और पैरडी बरिया भी कहे थे उसने कि भाई टिकट मिलना चाहिए, वो कहने लगे कि बोले भाई समझौता हो गया, ये भी कहते राजेंद्र जून को दे दो, अगली बरिया इसको दे देंगे। अच्छा हाँ, ये वो नकुर कर रहे बताऊ है। टिकट मिलनी चाहिए उसने, हक बने उसका, पक्की मिलनी चाहिए उसका, 150% हक है। अच्छा हाँ, उसको मिलनी चाहिए टिकट। टिकट मिलेगी तो क्या होगा? वो जीतेगा 110%। अच्छा पक्का? पक्का। गांव का उस सेकंड ने ठोकर 90% ला लेते अड़े थे। अच्छा राजेश लोहारडी है, क्या माहौल है? नाम मटना माहौल है भाई, राजेश जून का टिकट का इन दोनों आगे बढ़ रही है फंसे। अगर कांग्रेस ने टिकट देनी चाहिए राजेश जून तो योगा दावेदार भी है, आग नहीं सारा ही बना है। पिछली बार वो बैठा दिया था भाई, तू भी बैठ जाए ना, राजेंद्र ने दे देंगे। और अगली बार तेरा नंबर से युवराज यो कह रहा राजेंद्र जून 10 साल में ना कुछ नहीं करवा लिया काम के, थगड़ी नहीं लगी रोड़ा पे, रोड सारी काम तमाय हो गए, देखे भी होगा कि देगा आन जान का राख होने भाई मर रहा है ना, पानी की निकासी का काम। अच्छा हाँ, पिछली बार समझौता हुआ था पर राजेंद्र जून तो ना कही। राजेंद्र जून ना भाई चाह ले, राजेंद्र जून ने गिल्ला लेन गया था भाई इनके घर जब वो दफ्तर में आया था। अच्छा हाँ, राजेश जून चुनाव में उठेगा तो क्या बनेगी भाई? उठेगा नहीं, टिकट ये कांग्रेस वाले दे देंगे तो ठीक है ना, तो निर्दलीय उठेगा फिर भी सोगे सोए न मारा सर ने भाई जी गति पक्ष में भाई। अच्छा सतपाल के माहौल है गांव का? गांव का तो भाई मैं तो हो गया था बीमार, हार्ट अटैक हो गया था। अच्छा तो मैं तो कई दो एक दिन बाहर निकले हूँ ना, मैं नहीं जा लिया उड़े भी एक बार गया हूँ, राजनीति देव सचिन यहाँ आए था उस टाइम पे। अच्छा मैं बात यह एक तरफ ही बन जाए क्यों था मांडो चक्कर मार रही थी, ये तो एक तरफ ही बन जाए राजेश जून यो एक तरफ ही बन रहा है। हमारे डी माहौल किसका है भाई? राजेश जून का सुना बात, राजेश जून का है बेजपाल। किसका माहौल फालतू है? राजेश जून का माहौल फालतू है। क्या कारण है? वो समाज सेवी आदमी है, काम करे लोग आएंगे टिकट हम तो निकाल दीजिए राजेश जून ने, मतलब बाकी ऊपर ले जाने की देंगे वे। पिछली बार का वादा हुआ था? हाँ वादा हुआ था पिछली बार इनका, भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा था इनको मैं आगे तेरा नंबर इनको तू बैठ गया, यो बैठ गया था ये भाई फिर खड़े है, जनता ने 3 बार उसको विधायक बना दिया, बार बार नंबर उसका थोड़ा रहेगा, और भाई का भी आना चाहिए, ये भी हक बना उसका, हक बना राजेश जून का। महेंद्र क्या माहौल है गाँव में?
बता दियो भाई मोल है भाई राजेश जून का। राजेश जून का हाँ। क्या कारण साहब? कारण बता दिया कि यो है कारण और क्यों है। हाँ ये कारण है 42 वोट से एक लेंगी ठोक जाएंगे। हाँ 42 वोट हाँ ठोक के गिरोगे। हाँ राजेश जून का, राजेश जून का टिकट मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए और हकदार है। हकदार है बिल्कुल। हकदार कैसे है? हकदार ऐसे है समाज सेवी आदमी है, काम आदमियों में मिला हुआ है, वादा होया था ये मुकर रहे हैं। खुद दीपेंद्र ने कही थी कि भी आगे टिकट तू बैठ जा, आपके आगे टिकट तेरे को मिल जाएगा। ये भी फिर नहीं कहेंगे हम लेंगे। अच्छा। भाई राजेश जून का हाथ से तावन में इसको दीपेंद्र को। अच्छा हाँ हरा हाँ। था अरे वो कारण ही हो रहा था, यो कारण ही हो था। अरिगंज जीत का चालिया भद्रगढ़ दलीड लेकर चालिया है, उसमें राजेश जून का हाथ है लीड दीवाना में। हाँ भाई राजेश जून सुन ले गरीब और बेन है सारे ना, मतलब जो है जो आर्थिक रूप से भी काम भी कर रहा है, उनकी सहायता भी कर रहा है। अगला अपना मेडिकल वो खोल रहे अस्पताल, उसमें फिर दवाई भी बुट्ठी करवाओ है गरीब आदमी का, सबका मतलब काम करके चल रहा है, मिलनसार आदमी है। ये बार हमारा एम एल ए आ जा के करा पानी भी ना पीनता मेरे घरे में आ जा, जो क्या गोटा नवान के करे भाई। ये तो माए थारी जी हम कह दिला भाई आ जाओ बैठो चाह पानी पियो, कंगन पियोगे ना। अरे इस एम एल ए के करा भाई जो चाह पानी भी ना बुझ ना प्योर। हाँ यो है बहुत से जो ये भाई इतना बता दी सर जून राजेश जून भाई राजेश जून का सब का यो यार बढ़िया काम करे है। कारण यो है कोई काम करे को मुख्य काम मिलता जुलता सबसे सहयोग आदमी है नहीं? और भाई इसने पांचवी बार भी वादा करा था दीपेंद्र ने, कोई राजेश जून ने दिवाएंगे टिकट भाई ना दे तो वाइन की मर्जी है ना, काम करे भाई बनेगा बनेगा, टिकट नहीं मिली फिर करेगा भाई फिर निर्दलीय बनेगा बनेगा। बढ़िया माहौल है राजेश जून के, क्या कारण? बढ़िया आदमी समाज सेवी है, सेवा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। इस वक्त हम मौजूद हैं बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव लोहार हेडी में। गांव के कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, एक एक करके सभी से चर्चा करेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, इस बार किसे अपना विधायक देखते हैं, 2024 में चुनाव में क्या रहने जा रहा है लोहारेडी गाँव में, एक एक करके सभी से बात करेंगे। भाई गाँव में तो हमारा राजेश जून का ज़्यादा जोर है। क्या कारण है भाई? वो समाज सेवक है, पर डिबरिया ये हाँ भर रहे थे कांग्रेस वाले उसकी, अगर भाई अगला नंबर इसका है। अच्छा पहले इलेक्शन में इनकी यहाँ करवाई थी इनने, अरे यो बैठ गया था ई भी ये टिकट देने नाटक है तो आजाद खड़े करेंगे लोग, अगर आजाद हो भाई खड़ा टिकट मिलना चाहिए, टिकट पक्का मिलना चाहिए, अरना तो आजाद खड़ा करवाऊंगे। आजाद खड़ा होगा तो क्या होगा? वोट देंगे जीतेगा पक्का। आज तक तो कोई आजाद ना जीता बहादुरगढ़ में, ना जीता इनका नया काम होगा समाज सेवक है भाई। बहादुरगढ़ में जो करीब ये कोई मुर्दा है जिसका कोई आगे पाछे ना, उसको कफन दे दे भाई, लकड़ियाँ पैसे वो दे दे, गौशाला में दानी वो रहा, एक बाप भी भाई सरपंच रहा, बहुत अच्छी छवि का आदमी है, समाज सेवक आदमी है ये। अच्छा हाँ क्या नाम है जी? अरुण नाम भाई साहब। गाँव? गाँव लोहारेडी भाई। क्या माहौल है? माहौलियो है जी, राजेश जून को जिताएंगे भारी मतों से, औरों से संतुष्ट नहीं है हम। राजेंद्र वो कभी आता नहीं गाँव के, बुरे हालात है, वो एक बार आया था वोट मांगने, उसके बाद जाग के नहीं देखता। हम देंगे भाई राजेश जून को वोट, बढ़ चढ़ के समाज सेवी आदमी है, बहुत सारी औरतों की आँखें बनवा दी और भी कई चीज़ों में साथ दे रहा लोगों का, तब भाई अब की बार हम जिताएंगे राजेश जून को, और कोई अच्छा ही नहीं लग रहा हमको तो, ये बता रहे हम। टिकट को खींचतान होगी भाई, हम तो राजेश जून को ही वोट देंगे इसको भाई को, चाहे निर्दलीय उठो चाहे टिकट से आए ठीक है, और नहीं देंगे किसी को भी वोट हम भाई, नहीं तो हम बीजेपी से संतुष्ट हैं और नहीं और कोई पार्टी से, इसको देंगे भाई राजेश जून को हम तो वोट। टिकट मिलनी चाहिए? टिकट मिलनी चाहिए बिल्कुल मिलनी चाहिए भाई, ये तो इससे अलग भाई हमने और कुछ अच्छा लगता ही नहीं, राजेश जून को देंगे हम तो भाई। हाँ ये चाहे पार्टी इसका साथ दे चाहे ना दे, हम इसका साथ जरूर देंगे भारी मतों से। हाँ ये है भाई। राम राम पहलवान जी। भाई राम राम भाई। भाई मारे गांव का माहौल है एक तरफा सा है, क्योंकि जून साहब ने मेरे सामने दो मतलब 2024 में
कम से कम भी 2-3 बार तो पूरे हलके को सम्मानित कर लिया भाई। कौन से जून साहब? राजेश जून साहब ने। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं होती, इतना बड़ा हलका है, इतनी वोट है, इतने मतलब मानसा का सम्मान करना कोई हंसी खेल तो है नहीं। और भाई किसी भी मानस ने आधी रात ने भी कोई भी परेशानी हो है, अगर वो जा है तो वहाँ तो निराश होकर नहीं आता। इन कामों ने देखते हुए भाई देख हम मान रहे हैं, क्योंकि आम आदमी तो भाई छोटी छोटी बातें ना पकड़े यार, आप नहीं पता है गरीब आदमी का तो छोटी छोटी चीज़ें तनखा ये सारा हो गया है, तो उन ती वो सारे के रूप में बैठे हैं। हालांकि जो MLA थे उनके पास लोग ना तो कदे गए समस्या ले गए और ना उनने कदे किसी की मारे हिसाब तक किसी की सुनी भाई। हाँ, क्योंकि आप भी आए हो, आपने भी नोट करा, हमारे गांव की जितनी भी चारों तरफ की सड़क है, एक भी सड़क अगर ढंगसर की हो तो आप खुद समझदार हो, एक भी सड़क भी ना बनी है। हालांकि हमारे गांव में तो जो फिलहाल में MLA उनकी रिश्तेदारी भी है कति। हाँ, हमारा गांव चेता गांव है उनका, फिर भी पर राजेश जून साहब जो अब की बार तहलका मचा रहा क्या भाई, बिल्कुल। हाँ, टिकट मिलनी चाहिए भाई, टिकट तो 150% मिलनी चाहिए, 100 तो सब कह भाई। देखो फिर भी ये कुछ धांधली करके ना अगर टिकट ना देते हैं या मतलब ना मिलती, कुछ भी हो जाए, अगर वो निर्दलीय होंगे तो भाई हम पूरे हल्के की तो कहते कौन है, पर अपने गांव में तो हमारे गांव में तो मान लो कति घनी भारी बहुमत जीत कर जाएंगे या डन है कति। हाँ, हमारा गांव तो मान लो जून साहब का कति भाई फेवर में है कति, खूब अच्छी तरह। हमारी बड़ी रेसलर है विनेश फोगाट है, उनका भी सम्मान राजेश जून साहब ने कराया हार्ड है। अमन सर रावत जो ओलंपिक में मेडल लेकर आया है, उसका भी जून साहब ने, राजेश जून साहब ने कराया है भाई, बढ़िया सम्मान कराया है, और कोई नेता नहीं गया उसके उसमें। और ऊपर की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा गए हैं, साक्षी मलिक थे, सत्यव्रत का ध्यान था, मैं भारत कुमार गौरव पहलवान मैं भी था भाई, उड़े हम भी सम्मानित करे थे, वे भी करे थे, बढ़िया मान सम्मान कराया था। और भाई उस मान सम्मान में पूरे हल्के को भी उन्होंने मतलब देख लो कितनी वोट है सबको, मतलब बढ़िया तरिया। हाँ, मतलब नो मान लो भाई सारे तरीके तो फिलहाल में तो भाई अच्छा। हाँ,